अस्सलाम वालेकुम जी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मैं हूं ज़िशान रसूल, इस वक्त दुबई में मौजूद हूं। हां जी, तो आज है 31st of December 2023 और आज दुबई की न्यू ईयर नाइट है। यार, दुबई की न्यू ईयर नाइट के बारे में आपको बताता चलूं तो इट इज एन एक्सपीरियंस, और आज हम जिंदगी में पहली दफा ये एक्सपीरियंस लेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस के लिए कुछ तैयारियां बहुत जरूरी है, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी टास्क। चले जाओ और जाके एंजॉय करो, वापस आ जाओ। देखो, हर जगह तैयारियां चल रही है, इसमें वो भी नीचे भी कोई सीन सीन चल रहा है, यहाँ पे भी कोई ना कोई फायरवर्क्स होंगे। तो खैर, सबसे पहले पैकिंग करते हैं और अपना साजो सामान पूरा करते हैं। ये हमने बैग एक रेडी कर लिया, जिससे हमारे पास जो है बैटरी पैक्स, चार्जर्स, हर चीज हमने उठा ली है। और एक चीज रह गई थी, आईफोन का चार्जर पकड़ें, इसको भी रखें और फिर निकलते हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे। और आप ये अंदाजा लगा लें कि इस वक्त 2 बज रहे हैं दोपहर के, और मैं अभी से निकलना चाह रहा हूँ फॉर द न्यू ईयर रात को 12 बजे तक। मतलब 18 घंटे पड़े हुए अभी, लेकिन आपका भाई जा रहा है, आखिर कोई तो वजह है। आज आपको वजह बताते हैं कि किस तरह आप आते हैं, बुर्ज खलीफा पे जाते हैं, तो ये बड़ा मजेदार सीन होगा। हाँ जी, तो हम निकल पड़े हैं टूवर्ड्स बुर्ज खलीफा। अच्छा, मैं आपको जो मजे की बात बता रहा था कि इतना आसान नहीं होता है दुबई में न्यू ईयर मनाना, वो ये है कि अभी अगर आप रेडियो ऑन करेंगे और अगर आप देखेंगे कि क्या सीन चल रहा है, तो मेट्रो स्टेशन जो है वो 4 बजे तक बंद हो जाने हैं। आप बुर्ज खलीफा वाले, दुबई मॉल वाले डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन पे नहीं उतर सकते, ठीक हो गया। और जो रोड्स हैं वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि दुबई के अंदर इतनी ट्रैफिक हो जाती है, पूरी दुनिया न्यू ईयर मनाने दुबई आती है। तो दुबई के कोई तो ख़ास बात है न्यू ईयर के बारे में। और यहाँ पे बेसिकली 4 से 5 पॉइंट्स हैं जहाँ पे न्यू ईयर बहुत ही मज़ेदार मनाई जाती है, जहाँ पे फायरवर्क्स होते हैं और वो फायरवर्क्स दुनिया देखती है, और वो बहुत ही एक्सपेंसिव सीन है, ठीक है। तो आपको पता है जहाँ पे मज़ेदार सीन होगा आपका भाई पहुँच जाएगा। सो इसलिए हम जा रहे हैं, फिलहाल निकलते हैं। और मैंने एक दोस्त को बुलाया हुआ है, वो हमारे साथ इस पूरे सफ़र में दलील होगा, क्योंकि इतना आसान काम तो है नहीं। फिलहाल शाहरुख साहब हमें ड्रॉप करेंगे एट द नियरेस्ट, जो भी सबसे करीब स्पॉट मिलेगा हमें बुर्ज खलीफा के, वहां से नुमान आ रहा है, और नुमान और मैं फिर दुबई मॉल जाएंगे, और अब अगले जो 18 घंटे हैं वो हमने दुबई मॉल में ही गुजारने हैं। ये देखें जी सीन्स, दुबई की स्काईलाइन, और वो रहा बुर्ज खलीफा। आज हम जाएंगे जी बुर्ज खलीफा। अच्छा यार, आपको जो मैं बता रहा था कि दुबई में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फॉर फायरवर्क्स, तो यहाँ पे एक तो एन दुबई पे बहुत ज़बरदस्त फायरवर्क्स होंगे, ठीक है, फिर एटलांटिस पे होने हैं, उसके अलावा जो है फ्रेम पे होने हैं, दुबई फ्रेम पे, बुर्ज खलीफा पे होने हैं, यॉट पार्टीज हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं दुबई में न्यू ईयर पे, जबल अली पे फायर शो होता है, बहुत कमाल अबू धाबी में होगा, लेकिन बाप का भाई हर जगह तो नहीं हो सकता। सो हम चूज करेंगे जो सबसे जबरदस्त एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक बुर्ज खलीफा का जो है शोज देखे हैं, इसमें जो एक तो फाउंटेन शो होता है, दूसरा लाइट शो होता है। मेरा ख्याल है कि जो इतनी ज्यादा हाइट पे एक फायरवर्क्स का शो होगा वो बहुत ही कमाल होगा। तो हम बुर्ज खलीफा डिसाइड कर रहे हैं और वहां जा रहे हैं, और बुर्ज खलीफा के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है रोड क्लोजर्स, नो टैक्सीज। रात को वापसी पे सब ऑन होगा, लेकिन जाते हुए रश इतना ज्यादा है कि बस दुआ करें कि भाई को अच्छा सा स्पॉट मिल जाए जहां से मैं बेहतरीन वीडियोस बना सकूं, कंटेंट क्रिएट कर सकूं। तो वी विल बी गोइंग देयर और एक्सपीरियंस लेंगे आप लोगों के साथ। फिलहाल हम ये जा रहे हैं और हमने पिक करना है वो नुमान को, और नाश्ता करना, और नाश्ता करके हमने जाना है, ताकि हम पहले देसी खा लें, क्योंकि वहां पे तो ज्यादा फिर मैंने अलबैक खाना है। इसके बाद दुबई मॉल में अलबैक ने खाया तो क्या किया। ये अभी से लेफ्ट साइड पे आपको लाइनें नजर आ रही हैं, दुबई मॉल पीछे रह गया है और लाइनें लगना स्टार्ट हो गई हैं, और अभी 2:30 बजे हैं अप्रोक्सीमेटली। अभी खैर हमने तो थोड़ी देर बाद जाना है, हमें लंबी जो है ना जलालत ना मिल जाए। ये है जी म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, और यहाँ पे भी जो है ना दुनिया बहुत ही डिफरेंट है। और मेरा जो फेवरेट व्यू है आपको भी मैंने दिखाया है, ये जो रोड है ना
दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। यहाँ पे इतनी मजेदार जो है ना स्काईलाइन व्यू है कि आप कहते हैं कि पैसे यहीं पे पूरे हो रहे हैं। हाँ जी, तो वी आर डन विद द फूड, हुन जाने हैं जी बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जी, चले अब देखते हैं रोड्स की क्या सूरत हाल है। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं दुबई मॉल एंड वी आर वेरी लकी कि हमें ट्रैफिक नहीं मिला। ठीक है, अभी रोड्स बंद होना शुरू होंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि शुरते वगैरह खड़े हुए थे सारे, लेकिन हम टाइम से आ गए हैं। ये राजी बुर्ज खलीफा, हमें तो जरा ज्यादा एहतियात किया हमने आज के टाइम से चले जाए, क्योंकि जलालत जो है ना मॉल के अंदर बड़ी आसानी से बंदा कर सकता है, बाहर जरा मुश्किल हो जाती है। तो खैर बड़ा जो है ना अभी तक तो ओके है, आगे देखते हैं रश कितना को है, लेकिन ये सिक्योरिटी काफी है, टाइम टाइम देख रहे हैं लोग ना, टाइम देख रहे हैं, करेंगे ये बंद। बहरहाल जी, वी आर ऑफिशियली एट दुबई मॉल पहुंच गए हैं। चलो जी चलें, न्यू ईयर्स ईव देखते हैं क्या यहाँ पे चल रहा है। दुनिया आना शुरू हो गई हुई है। डॉक्टर क्या लगता है आपको, कितना को रश होगा या इस साल नहीं होगा? अब हमारे पास है एग्जैक्टली कोई छे साढ़े को सात घंटे हमारे पास है, साढ़े चार हुए हैं अभी, और न्यू ईयर तक बड़ा टाइम पड़ा हुआ। ये जो है ना एक गाना सौर भी इधर न्यू ईयर देखने आया था, मेरा ख्याल इधर ही रह गया, रश ज्यादा था, मेरा ख्याल बुर्ज खलीफा तक पहुंच नहीं सका उस साल, तो इंतजार में इसकी हड्डियां बन गई है। खैर अभी तो नॉर्मल है सीन, 5 ही बजे हैं, तो स्टिल अ लॉट टू गो। देखने आया था ये, यही था यहाँ पे बुर्ज खलीफा बना है, तो वो जब बना रहे थे तो ये डायनासोर मिला था, उन्होंने यही खड़ा कर। अच्छा बुर्ज के नीचे से मिला? अच्छा ये पहले इधर फिर रहा था, एक जमाने बाद में यहाँ नहीं, एक जमाने में इसका मतलब ये है कि ये इसकी आग का जो शो था वो देखा करते थे, अब उसको बुर्ज खलीफा से रेप्लीकेट कर दिया है, वहां से अब जो है ना आतिशबाजी करेंगे। तो हाँ जी, न्यू ईयर पहले तो है ना ये अकेले बनाया करता था, कनेक्शन हो गया डॉक्टर साहब की तरफ से, ठीक है। तो अभी लेकिन खैर चलो भाई, दुबई वॉल आए हैं तो शॉपिंग तो मस्ट है, तो ये भी शूज पसंद आए हैं, स्केचर्स पे सॉफ्ट सॉफ्ट लगे हुए, हर चीज पे डिस्काउंट चल रहा है, 600 दिरहम की चीजें 300 में हुई है, 50% ऑफ तकरीबन ऑलमोस्ट चल रहा है बहुत सारे जगहों पे, गुची शुची हर जगह, लेकिन अभी आपका भाई गुची नहीं जा रहा। स्केचर्स ओके है, समझ आती है, मजेदार चीज है, एंड आई लव द कंफर्ट बहुत मजेदार। तो अभी हम ये ले कर से करा थे जी, 3 शूज ले लिए भाई ने, एक अपने लिए, एक इजाज भाई के लिए, ये जरा चेक करेंगे, गेम इज ऑन भाई, बहुत रश हो गया है, टिकटें नहीं मिल रही, एंड पे जाना है और एंड से मिलनी है टिकटें, लेट्स सी हमारे साथ क्या बनती है। हमने तो शूज के एडवेंचर में जो है ना अपना काम खराब कर लिया है। 1 मिनट पहुंचे यार, टिकट पकड़े भाई, टिकट ओके कम्प्लीटली सोल्ड आउट है डॉक्टर साहब, या द मूव ऑफ डिस्पॉइंटमेंट, कैन आई गेट, नो यू आर नॉट ऑन द कैमरा, इट्स ओनली मी, सो any places that we can go and watch the show? You can go to the boulevard area to with the crowd to boulevard area place. So where do you access that? The exit would be the main gate. Once you go up there, exit, yeah, go to the main road, we'll take a round, all right, yeah, and then we'll find some place to see the show. Oh yeah, on the street, right, on the street, right, right. Thanks, mate. यार प्लान हो रहा है चेंज, टिकट्स तो भाई 2 हफ्ते पहले ही बिक गई थी, एज फार एज वी न्यू कि यहाँ पे न्यू ईयर का सीन ये होता है कि आप आए और पब्लिक होता है, लेकिन पब्लिक कोई सीन नहीं है इस दफा, सारा टिकट्स वाला सीन था और वो सारा क्लोजर जो है वो बंद है, इसलिए या तो ऑप्शन है कि बाहर डाउनटाउन से देख लिया जाए, या किसी रेस्टोरेंट की पता कर ले रिजर्वेशन, सारी रेस्टोरेंट भी ऑलमोस्ट फुल हो गए हुए हैं, कोई मुझे नहीं मिला अभी, तो मेरा प्लान ये है मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्रीम की साइकिल्स पकड़ते हैं, रोडों पे निकलते हैं, और या तो अलैन वाले जो है फायरवर्क्स देख लेते हैं, या JBR पे चल के वहाँ पे जो है ना अटलांटस के भी होने, बहुत सारे होने हैं, ये 2-3 ऑप्शंस हैं, इन पे गौर करते हैं, आपको बताते हैं, सबर करें। ये हमें एक जगह मिली है जहाँ से आप देख सकते हैं फायरवर्क्स, लेकिन यहाँ से हमें काउंटडाउन नहीं नजर आएगा, जो बेसिक प्रॉब्लम है। खैर
लेट्स सी भाईजान, दुनिया इधर बैठी है और ये व्यू है, लेकिन हम लोग यहाँ से निकलते हैं 6-7 घंटे यहाँ बैठने से बेहतर है कि साइकिलें पकड़ते हैं, दुबई को करते हैं एक्सप्लोर और उसके बाद जो है ना जुमेरा वाली साइड से कहीं से भी हम ये फायरवर्क्स देख लेंगे। ये जरा चेक करें वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम, ये दुबई की ग्रीन बेल्ट हैं। खैर हमारा जो मामला बना है भाई, हम लोग जा रहे हैं स्क्रीन बाइक्स पकड़ने, हम JBR की तरफ जा रहे हैं, आगे कहीं हमें दिखा रहा है 800 मीटर्स पे साइकिलें, तो वहाँ जाते हैं। फाइनली जी क्रीम बाइकें मिल गई हैं, बैटरी देख के इसकी पूरी चार्ज है, इसका क्या स्टेटस है, इसकी 3 है, ये फुल है। हाँ जी तो हम जा रहे हैं ये बुर्ज़ुल अरब की तरफ, ये सामने लामेर बीच आ गया। ठीक है अभी तक हुए हैं 7:30 बजे, अभी भी बहुत टाइम है न्यू ईयर में, आज जो है ना प्लान चेंज हो गया है, घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे। अच्छा जी तो हम पहुंच चुके हैं JBR और अभी बुर्ज़ुल अरब काफी दूर है, लेकिन यहाँ से हमें बुर्ज खलीफा का व्यू भी मिल रहा है और मेरा ख्याल है कि वी कैन गो टू बुर्ज़ुल अरब और वहाँ से दोनों व्यूज ही मिल जाएंगे, क्योंकि बुर्ज खलीफा का तो यार देखो तब है ही इतना बड़ा कि हर जगह से नजर आ जाता है। तो करीब बैठ के क्या करना था, 4 घंटे जाया करने से बेहतर है जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया है। ये मेरा पहली दफा है कि मतलब दोस्त का आइडिया था कि यार क्रीम बाइक रेंट करते हैं घूमते हैं, तो बड़ा अरसा हो गया था इस तरह घूमे हुए और मैंने बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। यकीन करो ये जो फन है ना, ये चेक करें जरा, ये बीच है, ये जा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, फिट है, बहुत फिट है। ओ भाई बहुत गंदा गिरा हो यार, लेकिन मैं ना भाग पड़ा तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है मैं चोट नहीं लगी, लेकिन यहाँ मैंने तमीज से बाइक चलाओ और ये जो है ना ये रेत, इस रेत से बचो, यहाँ पे ब्रेक मैंने लगा दी थी अभी अगली और भाई आपका पड़ा था साइड पे। ये जी हम पहुंच चुके हैं, रानिया अपने साथ हैं और अब बुर्ज खलीफा और अभी बुर्ज़ुल अरब काफी दूर रहता है। टाइम हो गया है जी 8:15, डॉक्टर साहब बहुत घुमाते हैं आप यार, बहुत गुड सीन है, ये देखो हर जगह कोई ना लोग बैठे हुए हैं, रास्ते में पुलिस इतनी ज्यादा है, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। फिलहाल बाइकें हमने खड़ी की हैं, कुछ खाते हैं, चार्जिंग पे लग गई हैं और दुआ करो कि वापसी पे मिल जाएं, ये ना हो कि यकीन लग जाए, पर लेकिन काफी बाइक खड़ी थी 12-13, तो उम्मीद है कि मिल जाएंगी। हमारे साथ हो चुका है प्रैंक, सारी साइकिलें खड़ी हैं, उन्होंने स्टेशन कर दी है ब्लॉक ताकि लोग साइकिलें अब ना चला सकें और रश ना हो। अब हमें जाना पड़ेगा यहाँ से पैदल इस साइड से और बुर्ज़ुल अरब यहाँ से 4 किलोमीटर है, कैब लेते हैं तो वो सारी जो है ना रात हमें रोड पे गुजार देगी, मेरा ख्याल एंजॉय करते हुए जाते हैं और फिर बुर्ज़ुल अरब पे पटाखे देखेंगे। तो जो प्लान था कि मरीना भी जाना है वो शायद कैंसिल करना पड़ेगा। हम पहुँच चुके हैं जी नाइट बीच तक और ये सीन्स है, जैसे भी थोड़ा सा आगे हमने जाना तो काइट बीच आ जाएगी और वहीं हमने बैठ जाना है ताकि वहां से हम एंजॉय कर सकें फायरवर्क्स। बेसिक गोल फायरवर्क्स है अच्छे और यहां से आपको बुर्ज खलीफा के भी नजर आने बेहतरीन। खुदा ना खास्ता यहां पे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाए, ये जरा लाइन का अंदाजा लगा लें कि वॉशरूम की लाइन है। पेपर डाल के आए भाई, दुनिया ने भाई टेंशन लगाए हुए हैं, ये देखें ये है जी JBR, सारी वहाँ बैठी है, वो सामने बुर्ज़ुल अरब है और वहाँ पे होंगे फायरवर्क्स। ये चेक करें जी क्या खूबसूरत सीन है, यहाँ हम अपना ट्राइपॉड यहीं पे सेट करते हैं ताकि फायरवर्क्स को जो है ना कैप्चर कर सकें।
वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ही दुबई हमने किया है आज, एक नए तरीके से एक्सप्लोर साइकिलिंग की है, घूमे हैं, बर्फ गए हैं, बुर्ज खलीफा गए, लमेर बीच गए, ये भी आ गई, बहुत सारा एंजॉय किया और एंड में जो फायरवर्क्स थे ये सारा बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अब मैं यहाँ से फिर छोड़ते जाऊंगा, लेकिन आप लोगों के साथ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, तो गलतियाँ पीछे की तो रिपीट नहीं कर, मैं एक नया साल इंजॉय करें, अपना पूरे करें, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ये साल के साथ नई शुरुआत करेंगे आप।